नमस्कार, मैं हूँ निखिल आनंद गिरी और आज फूड फॉर थॉट में बात करेंगे एक कहानी की। कहानी का थीम है रियलाइज यू आर अ पावरफुल सोर्स ऑफ एनर्जी, पहचानिए आप खुद ऊर्जा के बहुत बड़े स्रोत हैं। तो साथियों, सबसे पहले इस कहानी को सुन लेते हैं और उसके बाद उस पर बातचीत करते हैं। ये कहानी है एक भाई बहन की। बहन की उम्र है 4 साल और भाई 6 साल का है। दोनों बाजार जा रहे हैं। अचानक से भाई को दिखता है कि बहन कहीं पीछे रह गई है। वो पीछे मुड़कर देखता है और देखता है कि बहन एक शीशे की दुकान, जो खिलौने की दुकान है, वहाँ शीशे के बाहर से भीतर की तरफ देख रही है। भाई बहन की तरफ जाता है और पूछता है बहन से कि क्या देख रही हो। बहन उंगली से इशारा करती है एक खिलौने की तरफ, जो एक गुड़िया है, और जाहिर है कि उसे वो गुड़िया चाहिए। तो भाई उसे देखता है और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ देखता है। 6 साल का बच्चा जितनी मेच्योरिटी के साथ देख सकता है देखता है और अपनी बहन को दिलासा देता है कि आप रुकिए, मैं अभी भीतर से आता हूँ। वो डॉल अपने हाथ में उठाता है और भीतर शॉपकीपर के पास वो जाता है। भीतर से दुकानदार सब कुछ देख रहा होता है। वो बहुत ही अचरज से इस 6 साल के बच्चे की मेच्योरिटी को देख भी रहा है और फिर भी अनजान बना हुआ है। उसके पास वो बच्चा आता है और कहता है कि सर, ये डॉल कितने की है? शॉपकीपर बच्चे को फिर से देखता है जैसे पहली बार देख रहा हो और वो उससे पूछता है कि आप इसकी कितनी कीमत अदा कर सकते हैं। छोटा बच्चा कहता कुछ नहीं है। वो अपनी जेब से, समंदर से उसने जो कुछ सीपियाँ चुनी थी, वो बहुत ही इत्मीनान से वो सीपियाँ निकालता है और उसके सामने ऐसे रख देता है। और दुकानदार बहुत ही अचरज से फिर से देखता है कि बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है, और वो जो सीपियाँ हैं वो उसे गिनने लगता है ऐसे जैसे कि कोई पैसे गिन रहा हो। एक बार धीरे से वो नज़र उठाकर बच्चे को भी देखता है। बच्चे के चेहरे पर चिंता की रेखाएँ हैं, क्या पता ये पैसे कुछ कम ना हो गए हों। वो दुकानदार से पूछता है, सर ये कम तो नहीं हो गए? दुकानदार कहता है, नहीं नहीं, कम नहीं हुए, मुझे लगता है ज़्यादा है। और वो 4 सीपियाँ अपने पास रखकर बाकी सीपियाँ वापस बच्चे को लौटा देता है। बच्चा बहुत खुश है, उसके चेहरे पर खुशी की सीमा नहीं है। वो 4 सीपियाँ वहीं दुकानदार को देकर, वो गुड़िया लेकर अपनी बहन का हाथ थामे वहाँ से चला जाता है। ये सारा माजरा दुकानदार का जो स्टाफ था, जो नौकर था, वो देख रहा होता है। वो अब मालिक के पास आता है और झुंझलाते हुए कहता है कि ये आपने क्या किया? आपने इतनी महंगी गुड़िया मात्र 4 सीपियों के लिए दे दी? दुकानदार अब मुस्कुराता है और कहता है कि हमारे तुम्हारे लिए वो 4 सीपियाँ होंगी, उस बच्चे के लिए पूरी दौलत है। वो बात भले ही बच्चा आज ना समझे कि ये पैसे नहीं थे, लेकिन जब समझेगा तो दुनिया के बारे में उसके ख्याल बड़े अच्छे हो जाएंगे। वो ये भी समझेगा कि जब मैं अनजान था दुनियादारी की समझ से कि पैसे क्या होते हैं वगैरह वगैरह, तब किसी एक अजनबी शख्स ने मुझे बिना पैसे के वो गुड़िया दे दी थी जो उस समय मेरे लिए दौलत से भी बड़ी थी। ये बहुत बड़ी बात है। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। दुनियादारी में हम जब भी बड़े होते हैं, दुनिया भर के उतार चढ़ाव हम सीखते हैं और शायद बुराइयाँ ज़्यादा देखते हैं, अच्छाइयों के लिए स्पेस कम होता जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने भीतर अच्छाइयों का स्पेस बचा कर रखना चाहिए। किसी भी अजनबी से मिलें, उससे उतने ही अपनेपन से मिलना चाहिए ताकि जब वो किसी और से मिले तो वही अच्छाई वो सर्कुलेट करे। चीज़ें फ्लो करती हैं एक सर्कल में, यानी कि आप जो देंगे दुनिया को वही आपको वापस मिलेगा। किस तरह से मिलेगा आपको पता नहीं, लेकिन कभी ना कभी मिलेगा ज़रूर। अच्छा देंगे तो अच्छा, बुरा देंगे तो बुरा। ये बात भारत जैसे देश में और भी ज़रूरी हो जाती है। भारत गांधी का देश है, भारत कबीर का देश है, भारत कृष्ण का देश है। कृष्ण कहते थे गीता में कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भूमा, मा ते संगोस्तु कर्मणि। अर्थात आप कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो। हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है और वो कर्म अगर अच्छे होंगे तो फल ऑटोमेटिकली अच्छे मिलेंगे। गांधी कहते थे कि बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में आप जो बदलाव देखना चाहते हैं, सबसे पहले वो बदलाव खुद अपने भीतर लाए। सत्य अहिंसा के प्रयोग, पूरी दुनिया जब World War II में लड़ रही थी, हमारे पास एक गांधी था और उसने बताया कि सत्य और अहिंसा से भी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जीती जा सकती हैं। तो ये कहानी हमको, मेरा फलक तो इस तरह से
बड़ा करती है कि हमको कई बड़े नाम इस तरह से याद आते हैं। दुनिया के कई सारे धर्मों की या पंथों की जो उपज है वो भारत में हुई। सिख धर्म एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उसमें एक पंथ है, गुरु गोविंद सिंह उसके आखिरी गुरु थे। वो बस यही कामना करते हैं, मांगते हैं अपनी प्रार्थना में कि देह शिवा बरु मोहि इहे शुभ कर्मन्ते कबहु न टरो। ये गुरु गोविंद सिंह कहते थे, सिख धर्म के आखिरी गुरु, कि मैं शुभ काम से कभी न डरूं हे ईश्वर। तो ये हर पंथ हमें यही सिखाता है कि अच्छे कर्म करना चाहिए, चाहे वो इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, सिखिज्म हो, या कोई भी दुनिया का कोई पंथ या कोई विचार हो। वो यही सिखाता है कि वो अच्छा काम हमें करना चाहिए और वो अच्छाई आपको आपके भीतर ही होती है। मुझे कबीर याद आते हैं ऐसे मौके पर, जब अच्छाई ढूंढने की बात होती है, हम दुनिया भर में ढूंढते हैं कि वो अच्छा तत्व कहाँ मिलेगा। वो दोहा आपको याद होगा कि कस्तूरी कुंडली बसें मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखत नाही। हिरण के भीतर ही वो कस्तूरी होती है जिसके महक से वो परेशान विचलित होता है और ढूंढता फिरता है पूरे जंगल में, और वो उसके शरीर के भीतर ही होती है। ऐसे ही अच्छाई के सारे तत्व हमारे भीतर ही मौजूद हैं, बस उसे ढूंढने उसे पहचानने की ज़रूरत है। कुछ कहानियों के जरिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। हिंदी साहित्य में बहुत ही पॉपुलर कुछ कहानियाँ रही हैं, जैसे प्रेमचंद की ईदगाह आपको याद होगी। एक छोटा सा बच्चा है हामिद, जो ईद के मौके पर अपने दोस्तों के साथ खुशियाँ मनाने के लिए जाने की ज़िद करता है अपनी दादी से, और दादी गरीब होती हैं, उनके पास सिर्फ 3 आने हैं और वही पैसे देकर वो ईदगाह भेजती हैं हामिद को अपने दोस्तों के साथ। वहाँ कोई जलेबी खाता है, कोई खिलौने खरीदता है, कोई भिश्ती खरीदता है। हामिद के पास सिर्फ वो 3 पैसे हैं और वो एक लोहे की दुकान तक पहुंचता है और बाकी सब कुछ इग्नोर करता हुआ, ना वो जलेबी खाता है, ना मिठाइयाँ खाता है, ना कोई महंगे खिलौने खरीद पाता है। और वहाँ पर उसे एक चिमटा दिखता है और वो सारी पूंजी जो 3 पैसे हैं उससे बार्गेन कर मोल भाव करके वो सारी पूंजी अपनी सारी दौलत उस चिमटे पर लुटा देता है और बहुत खुश होता है कि दादी देखकर बहुत खुश होंगी। वापस लौटता है, दादी उसे एक हल्की सी चपत लगाती है कि तुमने ये क्या किया पैसे का, चिमटा खरीद के लिया है। वो बड़े इत्मीनान से कहता है, बड़े कॉन्फिडेंस से कहता है कि जब आप रोटियां तलती हैं तो आपके हाथ जल जाते हैं, ये चिमटा मुझे लगा कि आपके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है तो मैंने सारे पैसे इस पर उठा दिए। ये जो सीख है 2 जनरेशंस का, देखिए दादी और पोते का, ये बहुत बड़ी बात है जो कहानियाँ हमें सिखाती हैं कि आपने अपने पैसे की अपनी दौलत को कहाँ लुटाना मुनासिब समझा। हम गाड़ी खरीदते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, बैंक बैलेंस खरीदते हैं, हामिद ने एक छोटा सा चिमटा खरीदा और उस चिमटे में सारी खुशियाँ उसे मिल गई, उसने सारी खुशियाँ दुनिया को बांटी। ये बहुत बड़ी बात है। एक और कहानी का मुझे जिक्र करना ज़रूरी लगता है, वो कहानी है ओ हेनरी की। अमेरिकन नॉवलिस्ट थे, बहुत बड़े राइटर थे। उनकी एक कहानी है द लास्ट लीफ, बड़ी प्यारी कहानी है, छोटी सी। जॉन्सी एक लड़की होती है और उसकी एक सहेली की कहानी है, सू उसका नाम होता है। और जॉन्सी शायद न्यूमोनिया की बीमारी से पीड़ित है और अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। डॉक्टर कहता है कि अब ये नहीं बचेगी क्योंकि इसका चेहरा पीला पड़ता जा रहा है। जॉन्सी के कमरे के ठीक बाहर, शीशे के बाहर एक पेड़ है, सदाबहार की एक बेल है, और उसकी पत्तियां लगातार झड़ती जा रही हैं। और जॉन्सी के दिमाग में ये बात बैठ गई है कि जब इसकी पेड़ की आखिरी पत्ती गिर जाएगी वो भी नहीं बचेगी। उस पेड़ पर रोज़ वो पत्तियाँ गिरती है, 12, 11, 10, 4 पत्तियाँ बचती हैं उस शाम को। और जॉन्सी किसी तरीके से आँख बंद करती है। उसकी दोस्त सू जो होती है वो अपनी पूरी जान लगा देती है कि कैसे अपनी दोस्त को बचाया जाए। और उसके घर के ठीक नीचे ही एक बूढ़ा असफल चित्रकार रहता है, बर्मैन, और वो उसके पास जाती है और एक तरकीब निकालते हैं वो दोनों। और पूरी ठंड भरी रात में, हवाओं सी बर्फीली रात में, वो चित्रकार बैठकर जब जॉन्सी सो रही होती है वो कुछ करता है। सुबह जब जॉन्सी की आँख खुलती है वो हड़बड़ा कर देखती है कि वो जगी हुई है। वो बहुत आश्चर्यचकित होती है अपने बचे होने पर, और वो जब पर्दा हटाती है तो देखती है कि एक पत्ता अभी भी वहाँ लटका हुआ है। अगली शाम भी जब वो सोती है, फिर सुबह देखती है तो वो एक पत्ता अभी भी लटका हुआ है। खबर आती है कि वो जो चित्रकार था, बूढ़ा चित्रकार था, वो नहीं रहा, वो मर गया क्योंकि ठंड लग गई उसे, शायद बाहर था कहीं, मर गया। और जॉन्सी बच जाती है। डॉक्टर कहता है कि अब इसके बचने की उम्मीदें बढ़ गई हैं और ये बच जाती है। और वो बताती है कि वो जो आखिरी पत्ता था वो उस चित्रकार की मास्टरपीस थी, वो उसकी पेंटिंग थी जिसने एक लड़की मरी, लगभग मरती हुई लड़की की को आखिरी
जीवन दे दिया, उसे नई सांसें दे दी। ये सारी कहानियाँ, दुनिया की जितनी भी कहानियाँ, जितना भी साहित्य है, जितने भी विचार हैं, ये सब हमें इसी बात को प्रेरित करते हैं कि हमें अपने भीतर के उस शख्स को पहचानना चाहिए कि जब कोई और ज़रूरत में हो, जब कोई और नाउमीदी की तमाम सुरंगों में घिरा हो, तब आपका एक छोटा सा हाथ, आपका एक छोटा सा दिलासा उसके लिए बहुत काम कर सकता है। और दुनिया में आजकल जिस तरह की बीमारियां चल रही हैं, लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, डिप्रेशन है, खूब सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, उसमें आपको अपना रोल एक टॉर्च की तरह, एक दिए की तरह हमेशा रखना ही होगा। जाते जाते मैं आपको हिंदी के बहुत बड़े कवि विनोद कुमार शुक्ल, जो मेरे प्रिय कवि हैं, उनकी एक कविता की पंक्तियों के साथ छोड़ जाऊंगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। इस वीडियो के बाद मेरा मेल आईडी और फ़ोन नंबर भी मैं छोड़ूंगा। जाते जाते आपको ये कविता सुनाता हूँ, जिसमें देखिएगा कि कैसे दो अजनबी लोग एक साथ एक दूसरे का भरोसा बन सकते हैं। कविता कुछ इस तरह से है। हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हताशा को जानता था। इसलिए मैं उस व्यक्ति के पास गया, मैंने हाथ बढ़ाया, मेरा हाथ पकड़कर वो खड़ा हुआ। मुझे वो नहीं जानता था, मेरे हाथ बढ़ाने को जानता था। हम दोनों साथ चले, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, साथ चलने को जानते थे। वीडियो और बुरा भला चैनल आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी कहें। शुक्रिया।